नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है और साथ ही बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1995 में हुई, जो कि बिजनेस इंडस्ट्री के समय में बहुत धमाल मचा रही है। भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखकर 12 सितंबर 2016 को गाइडलाइन जारी कर दी। भारत की संस्था FICCI और KPMG की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग लगभग 62,500 करोड़ यानी कि 625 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर में अपना नाम बना चुकी हैं, लेकिन इसी बीच कई सारी फ्रॉड कंपनियां भी आईं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम कर दिया। इस बिजनेस में जुड़ने के लिए आपको किसी भी डिग्री, स्किल या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, चेन सिस्टम इत्यादि। वर्तमान समय में नेटवर्क मार्केटिंग तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है। कस्टमर ही उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जिसके अतिरिक्त आमदनी कमाने का मौका मिलता है। आज की डेट में करोड़ों लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं और दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, जिसमें कस्टमर सीधा कंपनी से जुड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक चेन की तरह काम करता है, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। लोगों के इस समूह के माध्यम से कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाया जाता है। एक ग्रुप में जितनी भी लोग जुड़े हुए होते हैं, उनकी ग्रोथ एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर करती है। नेटवर्क मार्केटिंग में अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आइए जानते हैं ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है। आमतौर पर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को दो तरीके से मार्केट में बेचती है। हालांकि कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत सारे कई तरीके अपनाती है, लेकिन ये दो तरीके काफी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। आइए जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनी अपने प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, मार्केटिंग एम्प्लॉय आदि को हायर करता है, और साथ ही कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी करती है, जिससे कंपनी का बहुत सारा पैसा एड्स में खर्च हो जाता है और कस्टमर को 5 रुपये का प्रोडक्ट 10 रुपये या 15 रुपये में पहुंचाया जाता है। दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सीधा कस्टमर तक पहुंचाती है। कस्टमर ही कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर सब कुछ होता है, जो कंपनी के प्रोडक्ट को खुद ही प्रमोट करता है, जिससे कंपनी का बहुत सारा पैसा एड्स में देने से बच जाता है और कंपनी अपने टर्नओवर का बड़ा हिस्सा अपने कस्टमर में बांट देती है। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में कस्टमर को पैसा कमाने का मौका मिलता रहता है। यदि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से सूझबूझ कर काम करता है, तो वह नेटवर्क मार्केटिंग के अपने बिजनेस को अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। समय का सदुपयोग। ज़्यादातर लोग अपना समय मोबाइल में गेम खेलने, फिल्म देखने, लोगों से अनावश्यक बातचीत करने, सोशल मीडिया में टिप्पणी करने एटसेट्रा आदि चीज़ों में वेस्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि वह अगले दिन आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, जिससे धीरे धीरे लोगों को समय का सदुपयोग करना आ जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग। जब कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ता है, तो वहाँ पर वो ऐसे लोगों से मिलता है जो एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिससे लोगों के अंदर का डर, तनाव और नकारात्मकता धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अतिरिक्त आय कमाने का मौका। इस बिजनेस से जुड़कर लोग अपने घर के काम को करते हुए भी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। यदि मेहनत और लगन से इस काम को किया जाए, तो अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कई ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं, साथ ही लोग एक दूसरे का उत्साह वर्धन भी करते हैं। आप लोगों के बीच में सम्मानित बनते हैं, जिससे आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बातचीत करने की कला का विकास। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपकी प्रतिदिन लोगों से बातचीत होती रहती है। आप अपने विचार प्रभावपूर्ण तरीकों से लोगों के समक्ष रखते हैं, जिससे आपकी बातचीत करने की शैली इम्प्रूव होती है या एबिलिटी बढ़ जाती है। पार्ट टाइम। अगर आप चाहें तो नौकरी करते हुए भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं।
इसी कड़ी में अगर आगे बात करें तो दो तरीके की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी कि जब तक आप काम करते हैं तब तक ही आपकी इनकम होती है, यदि आप काम नहीं करते हैं तो आपकी इनकम भी बंद हो जाती है। और पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का मतलब है काम करते हुए भी आपकी इनकम हो रही है और काम अगर आप बंद भी कर दें तो भी इनकम आती रहती है। डायरेक्ट सेलिंग में आपके नीचे बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली आपके ही लिए काम करते हैं जिससे आपकी पैसिव इनकम होती रहती है। फ्रीडम, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको समय की आज़ादी देता है। यदि आप कुछ दिन के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं या कुछ दिन काम नहीं करते हैं फिर भी आपकी इनकम होती रहती है। अच्छे लोगों से मित्रता, नेटवर्क मार्केटिंग में आप रोज़ नए नए लोगों से मिलते हैं जिससे आपकी नए नए लोगों से दोस्ती होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऐसे कल्चर में ढलने लगते हैं जहां पर टीम के सभी मेंबर आगे बढ़ने की सोचते हैं और सक्सेसफुल बनने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में बस इतना। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ, साथ ही अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। जय हिंद।